नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अंबेश श्रीवास्तव और यह है 8 PM शो। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा लगातार सुर्खियों में रहते हैं, मंत्री हैं भी मंत्री नहीं भी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो खुद ही कहते हैं कि भाई, वो कभी कहते हैं कि पर्चा साइन करते हैं मंत्री वाला, कभी कहते हैं कि नहीं वो गलती से साइन हो गया। तो अभी वो फिलहाल इसलिए सुर्खियों में हैं क्योंकि उनके भाई जगमोहन मीणा को दौसा से BJP ने टिकट दिया, जिसके लिए उनका कहना है कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन अब राजस्थान के गलियारों में चर्चा है कि भाई, वो इस्तीफा ही उन्होंने दिया था ताकि उनके भाई को टिकट मिल सके और वो दबाव बना रहे थे। अब भाई को टिकट मिला है तो जिताने की जिम्मेदारी भी है। अब जिताने की जिम्मेदारी है तो कई तरीके के बयान भी आ रहे हैं। अब क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले ये बयान सुनिए बाबा और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से कि बाबा का इस्तीफे वाली कहानी और अब प्रमोशन वाला जो एक उन्होंने दांव फेंका है, क्या कुछ है वो समझेंगे। तो सुनिए पहले ये बयान, फिर चलते हैं चर्चा पे। कद बढ़ेगा जीतने में तो प्रमोशन ही होता है, प्रमोशन बढ़ने का मतलब दोनों का कद बढ़ेगा। हाँ, जवाहर सिंह का भी बढ़ेगा, मेरे भी बढ़ेगा, जिता के ले आए। गुजर मतदाता भाजपा से चल रहे हैं, शुरू से गुजर मतदाता भाजपा का है, सदा भाजपा के संग रहा है और अब भी भाजपा के संग रहेगा। तो चुनाव में जा रहे हैं, आपका एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है, आप आदिवासी महिलाओं के साथ डांस कर रहे हैं, एक रिझाने का काम कर रहे हैं। डांस करना मेरी पुरानी आदत है, वैसे जवानी से करता है, तो बूढ़ा हो गया तो कम करता हूँ। अब कितना फर्क पड़ेगा मतदाताओं पे, इस पे क्या पड़ता ही, खुश हो जाती है महिलाएं, कहती है नाच बाबा नाच, नाच रहे बाबा नाच, जब वोट देगा जब नच लेता तो वोट मिल जाते हैं। लोटासरा कह रहा था कि भवानी जाग गई है, तो भवानी जाग गई इसलिए जीतेंगे। सर, जो पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने एक बात, आपका कागज कहाँ गया है? पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने कहा था कि ब्राह्मण का कट मोड़ के टिकट ले आए और दीप गौर, अरे ब्राह्मण तो मुख्यमंत्री बना दिया, ब्राह्मण का कट कहाँ दबाया है? दीप गौर गुर्जर, थोड़ा ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। तो ये जाति की बात करना बेतुकी है, गलत है। सीएम की मजाक बना रहे थे टीकाराम जूली, लेकिन खुद ही मजाक बन गए, खुशवंत नाम लिया है जबकि सुखवंत बीजेपी के कैंडिडेट का नाम है, इसको लेकर क्या कहना होगा आपका? अभी तो देखो, उनके नेता राहुल गांधी चाहे जो बयान दे देते तो वहीं उसी पाठशाला में तो ऊपर क्या है, उनका क्या दोष है बेचारेगा, पहन देना। तो देखा आपने, सुना, प्रमोशन का इंतजार है और प्रमोशन कैसे मिलेगा जब भाई जगमोहन मीणा को जीत मिलेगी और इस प्रमोशन में उनके सहभागी जो दौसा की जिम्मेदारी BJP ने सौंपी है जवाहर सिंह बैडम जी को, जो मंत्री हैं उनके साथ, उनके भी प्रमोशन की चर्चा उन्होंने करी है। लेकिन बाबा ने उनके साथ साथ जो अपने प्रमोशन की बात करी है, तो आपको बता दें कि अभी वो जो इस्तीफा दे कर बैठे हुए हैं, अभी तक उनका इस्तीफा ना स्वीकार हुआ है ना ही उन्होंने वापस लिया कि भाई हम अपना इस्तीफा वापस लेते हैं, क्योंकि अभी तक उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वो सब बतौर सवाई माधोपुर विधायक ही चल रहा है। तो अब प्रमोशन होगा, तो उस प्रमोशन में मंत्री से ऊपर कौन सा पद हो सकता है, ये सर जरा समझा दें। प्रमोशन की बात हो रही है तो मंत्री से ऊपर कौन सा पद होता है? देखिए, जब से सरकार बनी थी जी, जब चुनाव हो रहे थे सितंबर से दिसंबर के बीच जी, वो अपने को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहे थे जी सर, कह रहे थे मैं भी रेस में हूँ। फिर जब वो आपके और गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक एक पर्ची से अब के CM आया ना जी, जो पर्ची सरकार, पर्ची सरकार, तो उसमें तो बाहर हो गए जी। जब उसमें वो बाहर हो गए तब फिर अब ये लग रहा है कि उनका, अब ये लग रहा था कि वो कुछ ज्यादा विभाग सही मिल जाएगा, विभाग मिल गया आपदा जैसा, आपदा और कृषि। तो उन्होंने जून में मौका पाया कि एक काम करते हैं, 7 सीटों का 7 सीटों वाला दांव चल देते हैं, वो पड़ गया उल्टा। उनके हिसाब से दो बार से बंपर जिता के भेज रही थी, 120 सीटें फिर भेजी थी, तो उनके हिसाब से तो इतना बड़ा आमूलचूल था नहीं, एक दो सीटों का ऊपर नीचे होता तो बात, सारी जिम्मेदारी। सबसे बड़ी बात, दोसा और टोंकी हार गए, अब वो सबसे चक्कर हुआ। अब किरोड़ी लाल मीणा जी ने क्या किया, पहले तो जब चौपाई पढ़ दी थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो फिर उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा मीडिया को नहीं बताया, वो आया 25 दिन बाद मीडिया के सामने जी। फिर कला कि अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे आया हूं, वो फिर एक दिन साइन कर देते हैं। जब आपदा विभाग का जिस समय
सूखा बहुत पड़ रहा था, गर्मी से मौतें हो रही थी, कई तरीके के सवाल उठने लगे, तो जाके जब बाढ़ आई तो निरीक्षण भी कराए, बोले मैं तो विधायक ही हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिर अच्छा किसी पार्टी के पदाधिकारी या बड़े नेता पूछे, बोले वो हमारे सम्मानित हैं, वो जो फैसला लेंगे वो, मतलब किरण लाल मीणा जी को किसी ने छेड़ना सही नहीं समझा, और जब वो छेड़ा नहीं उन्होंने तो ये तय हो गया कि किरोड़ी लाल मीणा को लगा अभी मेरे पास पावर है, और उनको लगा कि दौसा खाली हो रही है, उन्होंने चल दिया। आपने भी कई वीडियो दिखाए, पेज पे भी लगे हैं अपने, कि वो मुंह पे उंगली रख रहे हैं, भजन लाल जी ऑफ द रिकॉर्ड मिलते रहे, बात चलती रही केंद्रीय नेतृत्व से, इधर सीपी जोशी की विदाई हो जाती है, मदन राठौड़ आ जाते हैं, लेकिन बाबा का मसला नहीं हल हो रहा, सारे काम हो रहा है, बाबा का मसला नहीं हल हो रहा। अब लेकिन अब सोचिए ना, कहां इस्तीफा, कहां प्रमोशन, लेकिन अब अगर अगर हार गए, अगर सीट बीजेपी हार गई तो फिर क्या होगा सर, क्योंकि पांच वहां हार पे आपने इस्तीफा दे दिया था, सात हार पे, अब यहां आपने कहा है कि जीतेंगे तो प्रमोशन होगा, और अगर हार गए, आपने सुना नहीं जी, टिकट उन्होंने इस पूरी बाइट में ये भी कहा है, टिकट पहले भी कह चुके हैं कि जगमोहन मीणा को टिकट दिलवाने में उनका कोई हाथ नहीं, इसलिए उन्होंने वो उनस लेना बंद कर दिया कि मैं जिता भेज रहा हूं, इसीलिए उन्होंने जवाहर बेड़म को शामिल कर लिया कि आप निपटिए इससे, मतलब हम तो सनम डूबे तुमको ले, मतलब हमने इस्तीफा दिया था। और दौसा बहुत आसान सीट नहीं है, बीजेपी मान रही है कि कांग्रेस में इनफाइटिंग है, जिस तरीके से गहलोत सिर्फ दौसा गए डीसी बैरवा के नॉमिनेशन कराने, तो अलग तरीके का माहौल बना और सब हुआ जी। लेकिन आज भी आप कितना भी कांग्रेस के अंदर गहलोत वर्सेस सचिन पायलट दिखाया जाए, सब दिखाया जाए, सचिन पायलट कम से कम दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, इस एरिया में वो ठीक है, अभी आप कई एग्जांपल दे देंगे कि वो बुरी तरीके से पिटे हैं चुनाव में, सियासी मात खाई है, लेकिन आप फिर एक और भी देखते हैं, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर अगर सचिन पायलट निकल गए तो क्या युवाओं का हुजूम निकलता है। आपने सुना ना किरण लाल मीणा क्या कह रहे हैं, गुर्जर हमेशा से बीजेपी नहीं सर, किरण लाल मीणा का एक बयान वो और है, वो जाके दर्शक अपने पेज पर जाके देख सकते हैं, उन्होंने कहा मैं अपने भाई की तारीफ करते हुए कि मेरा भाई सचिन पायलट और राजेश पायलट की तरह सौम्य है। वो दरअसल दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक वो एरिया है जहां पर राजेश पायलट और सचिन पायलट की छवि अलग है। एक बात होती है ना, आप हारे जीते लोकतंत्र है भाई, किसी की क्या परिस्थिति रही, हार गए वो एक अलग चीज हो सकती है, लेकिन कहते हैं ना लोगों के दिलों से कैसे निकालिएगा, वसुंधरा जी ने बताया ना कि मुख्यमंत्री नहीं बनी, जब वो 12 में अभी स्कूटी पे निकली तो वो लोगों के बीच जाके यही तो कह रहे थे, हम तो दिलों में राज करते हैं, कई सेमिनार बोलना पड़ा, कई बैठकों में बोलना पड़ा, तो वही बोले बोले हम तो दिलों में राज करते हैं, आप यहाँ दिलों से कैसे निकालिएगा, मत दीजिए मुख्यमंत्री पद, मत बनाइए लड़के को जिस क्षेत्र में है। तो दरअसल किरोड़ी लाल मीणा का भी दौसा और सवाई माधोपुर और टोंक यही एरिया रहा है, लेकिन वो पायलट परिवार से माती ही खाए हैं ज्यादा। मैं सर एक चाहूंगा कि एक बार पहले बयान सुनवा देते हैं, और उसके बाद कि एक सवाल मेरा और इसमें जुड़ जाएगा कि क्या किरोड़ी बाबा को अब कांग्रेस से या फिर पायलट परिवार से जीत की उम्मीद है, मतलब सरकार से नहीं, तो एक बार बयान। मैं कर्नल किरोड़ी सिंह हूँ, तो मेरा भाई सचिन पायलट और राजेश पायलट की तरह समूह है, और मुझे भरोसा है, मैं जरूर कोई कट्टा की बात कर देता हूँ, लेकिन वो कट्टा की बात कभी करेंगे, मिलजुल के आपकी सेवा करेंगे। हमारे उधर कहावत है, आपके उधर है कि नहीं, इधर है कि नहीं, कि नामी का कर्म नमाशा को क्यों देते हो, गलती का करते हो, और दंड लाके किरोड़ी के भाई जगमोहन को मिले
मैंने जो गलती की है उनसे मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो सुना आपने, तो सर आप बताइए कि पायलट और राजेश, सचिन पायलट और राजेश पायलट की तारीफ कह रहा था, आप मेरी बात सुनी रहे तो आप क्या बाबा कांग्रेस के भरोसे अपने भाई को जीत दिलाएंगे, मेरा सीधा सवाल है। ये तो है ही भाई, तारीफ तो मोदी जी की कर सकते थे, भजन लाल जी की कर सकते थे, खुद कहते कि मैंने इस ये कह रही कर्म भूमि रही है, मेरा भाई ने यहाँ काम किया है, मैंने काम किया है, मुझे देख के आप वोट दीजिए। नेता तो जब परिवार के आदमी को लड़ाता है तो यही कह के लड़ाता है। क्या बीजेपी में 100 में नेता नहीं है कि उदाहरण के लिए उनको राजेश पायलट और सचिन पायलट? मैं फिर कह रहा हूँ, दौसा की पहचान दौसा सबसे पहले राजेश पायलट की वजह से बढ़ी। दौसा एग्जिस्ट कर रहा था, वहाँ नेतागिरी थी, जब लोगों तक दौसा पहुंचा तो कहे ये राजेश पायलट इन्होंने वहां पहुंचाया, इसलिए उनको पता है वो गुजरों को नाराज कर देंगे तो जवाना तक जब्त करवा सकते हैं। सचिन पायलट उस है, उसी वही हारी भी है कांग्रेस। मैं रमा पायलट चुनाव हारी, अच्छा उपचुनाव रमा पायलट हारी, ओके सर, वहां उसके बाद सचिन पायलट आए राजनीति में जी 2004 में, चार में जी। और टोंक से सचिन पायलट ने भी हार देखी, अजमेर से सॉरी जी, हाँ मतलब उसी बेल्ट में हार देखी, भारी गुजर बाहुल क्षेत्र। लेकिन वही मैं कह रहा हूं ना कि आप दिलों से कैसे निकालेंगे, वो जो सियासत होती है ना वो गड़बड़ होती है। अब आते हैं दौसा सीट पे, दौसा सीट पे कांग्रेस के लिए भी केक वॉक नहीं है जी। जब तक सचिन पायलट नहीं आएंगे वहां सैड अनसैड तरीके से, मैसेज सचिन पायलट का ही जाएगा और मुरारीलाल मीणा उनसे लगातार संपर्क में है, वो उसी तरीके से काम चल रहा है। अब जब आपने पायलट के आने की बात करी तो अब यही है कि अब उपचुनाव जो है क्या वो पायलट पर डिपेंड हो गया? कहां तो आपने टिकट बांट दिए, सब कुछ कर दिया, पायलट थे नहीं, और अब ये आ गया कि पायलट जो कुछ करेंगे पायलट। 5G का जमाना है, वीडियो कॉल पे बात होती है, कौन बनेगा करोड़पति तो, भी अब सचिन पायलट वैसे ही होता है। तो सर सचिन पायलट तो नरेश मीणा को नहीं मना पाए आप? हाँ, क्या ये बात पता नहीं थी सबको? अरे ये राजनीति और नरेश मीणा के देखिए, अब आज आखिरी दिन है सर, नहीं वापस लिया जी, टाइम पूरा जी ठीक। जब नरेश कभी कभी राजनीति में लड़वाया भी जाता है, इसीलिए कहा जाता है राजनीति में हमेशा 2+2=4 नहीं होता है, किसी को जितवाने के लिए कोई दूसरा भी लड़ता है, किसी को हरवाने के लिए दूसरा खड़ा होता है जी। जो युवा कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नाराज था वो अगर इधर उधर ट्रांसफर हो जाता है, इफेक्ट पड़ता है, नरेश मीणा के पास चला जाएगा। नरेश मीणा क्या कहा कि कसम हमने आपने वीडियो किया है ना जी सर, वो तो सचिन पायलट के कोई अपना नेता मान रहे हैं ना, उसमें क्या हुआ? जीत गए तो सचिन पायलट की डबल वो होगी, फिर वापस आ जाइए, उसमें क्या है, वो विधानसभा चुनाव। राजनीति यही है, राजनीति अंबेश यही है, जो दिख रही हो वो राजनीति नहीं होती है। वो कहते हैं कहे नीत करे अनीत, वह है राजनीति जी। तो बाबा कहते तो है किरोड़ीलाल कि मैं मंत्री नहीं हूं, मौत तो पूरी मंत्री वाली ही ले रहे हैं। बिल्कुल सर, तो चलिए आज के लिए 8 PM में इतना ही, और बाकी सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम मिलेंगे अब फिर सोमवार को कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों के साथ, तब तक आप लोग इन्जॉय करें, त्यौहार अच्छे से मनाएं, और पटाखे वगैरह अगर फोड़े भी तो बहुत संभल के। बाकी सर आपको कुछ बोलना है? बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों का ये प्यार हम लोग को हमेशा मिलता रहे, और आपको जो खबर पे चाहिए 8 PM में या इनसाइड में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इसको क्या सुधारें, इसमें क्या कर सकते हैं, प्लस क्या माइनस करना चाहिए, उसका सुझाव दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।